हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। ये हैं विभा दीदी की छोटी बेटी और ये है उनकी पोती छोटी सी। तो अभी सुबह का टाइम है और मैं बनाने जा रही हूँ भिंडी की सब्जी और पराठा, क्योंकि दीदी को जाना है अभी और दीदी कर रही है यहाँ पे पूजा। तो दीदी को निकलना है क्योंकि दीदी का भी घर मैनपुरी में है, लेकिन वो रहती लखनऊ में है। तो अपने घर जाएंगी और फिर वहाँ से अपने मार्केट वगैरह जाएंगी दोपहर में या शाम को, जब भी जाए शाम। सब लोग जा चुके हैं और अब मैं करने जा रही हूँ नाश्ता। नाश्ता खाना कुछ भी समझ लो, मतलब ढेर सारी सब्ज़ी रात की भी रखी हुई थी और सुबह भिंडी की सब्जी और पराठा बनाया था, तो और रात की पूड़ियाँ भी बची हुई थी, तो मैं तो रात की पूड़ियाँ लेके बैठी हूँ और सब्जियाँ और आम, और ये नाश्ता भी है मेरा और खाना भी समझ लो, मतलब फिर दोपहर में खाना नहीं बनाऊँगी मैं। दीक्षा का फास्ट है तो मैंगो शेक वगैरह ये सब मतलब ले लूँगी, तो फिर खाना गोल है दोपहर का मेरा। तो अभी मैं खाने जा रही हूँ। तो मैंने भी खा लिया यहाँ पे खाना और उसके बाद अदर काम किए कुछ और फिर सो भी गए थे थोड़ी देर, फिर उठ के खरबूजा खाया और फिर मैं हो गई रेडी। दीचू को जाना है पार्लर, दीचू को करवाना है फेशियल, हाइड्रा फेशियल करवाना है, तो बोली चलिए आप भी चलिए साथ में, आप बैठ ही रहना। तो मैं भी चली गई थी और मुझे हल्की सी ट्रिमिंग करवानी थी अपने वालों की, तो मैंने यहाँ पे हल्की सी ट्रिमिंग करवाई है। मुझे बहुत हल्की सी मतलब ट्रिमिंग करवानी थी खाली, और कुछ नहीं करवाना था। और ये हो रहा है दीक्षा का फेशियल, हाइड्रा फेशियल, ये लास्ट स्टेप है। तो उसका मन हुआ करवाने का तो हमने कहा करवा लो, देख लो क्या रिजल्ट रहता है, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है, तो मन का देख लो करवा के रिजल्ट क्या रहता है, अच्छा रहे रिजल्ट तो आगे करवाना, नहीं तो मत करवाना। फिर दीक्षा ने कुछ प्रोडक्ट लिए वहाँ से, नाइट क्रीम, डे क्रीम वगैरह, और उसके बाद फिर हम लोग मार्केट पहुँच गए, क्योंकि उधर ही उसी साइड में था पार्लर। तो यहाँ से हमने कुछ ग्रॉसरी का सामान लिया जो भी ज़रूरत थी, और यहाँ से ग्रॉसरी का सामान लेने के बाद मैं आ गई थी घर पे। और आज गर्मी से कुछ राहत है, बहुत ज़्यादा 3-4 दिन से गर्मी थी, लेकिन आज कुछ राहत है, हल्का सा मौसम में चेंज है, जैसे बादल वगैरह थोड़ा सा हो रहे थे, तो धूप उतनी तेज़ नहीं थी आज, वैसे तो भयंकर गर्मी पड़ रही है। घर आके बनाया मैंने मैंगो शेक, और दीक्षा का फास्ट था तो मैंगो शेक बनाया, मैंने भी पिया, दीक्षा ने भी पिया, और लंच में खाना मैंने नहीं खाया नहीं बनाया, क्योंकि कोई खाने वाला ही नहीं था। तो उसके बाद ये थोड़ा मैं कुछ लेके आई थी भाई, जीरा मेथी वगैरह है, तो उसको मैंने खाली किया और इसमें ये धुली हुई भिंडी भर के रख दी। भिंडी मैंने सुबह धोई थी बनाने के लिए, तो मुझे ज़्यादा लग रही थी तो मैंने थोड़ी छोड़ दी थी धुली हुई, तो मैंने इसमें भर के और फ्रिज में रख दी, और सही किया कम बनाई क्योंकि बच ही जाती, काफ़ी हो गई थी उतनी ही, अंदाज़ा नहीं आता है ना मुझे, क्योंकि मैं 2 लोगों का खाना डेली बनाती हूँ केवल। और ये मार्केट से मैं लेके आई थी भुंटियाँ, हमारे यहाँ अड़ियाँ बोलते हैं, अड़ियाँ भुंटियाँ। तो दीक्षा का तो फास्ट था ही, सूरज से मैंने पूछा, उसने मना कर दिया खाने के लिए, तो पहले मैंने धोए बर्तन जो भी थे, मैंगो शेक वगैरह के खाने पीने के जो भी थे, पहले उनको धोया, पहले डलिया को खाली किया, बर्तन धोने जा रही थी तो देखा कि डलिया हमारी भरी हुई है, तो डलिया को खाली किया, फिर बर्तन धोले, फिर मैंने भुनी अपने लिए भुंटिया, तो काफ़ी अच्छी थी, टेस्ट अच्छा था, जब कच्ची होती है ना, सॉफ्ट होती है ना, तो वही खाने में अच्छी लगती है, तो थोड़ी सी टाइट हो जाती है वो तो बहुत बेकार लगती है। तो यहाँ पे हमने हरी नमक मिर्च और नींबू लगाया उसके साथ, बाहर गली में बैठ के बाहर एंजॉय की, क्योंकि गर्मी काफ़ी थी, तो मैंने मतलब बाहर चेयर डाल के हम दोनों लोगों ने बाहर बैठ के आनंद लिया थोड़ा सा ताज़ी हवा का, मौसम का। फिर मैं गई छत पे, तो छत पे जाके पौधों को पानी लगाया, और ये पीछे मैं कुछ देख रही थी तो दीक्षा ने क्लिप ले ली। फिर नीचे आई, नीचे आके चाय बनाई हम लोगों ने, और चाय पी, दूध गर्म किया, और डिनर, फिर मैंने डिनर बनाया। तो आजकल गर्मी इतनी है कि डिनर तो बस नाम मात्र के लिए बनता है, बहुत थोड़ा सा
खपता ही नहीं है खाना। और फिर मैं मतलब हम लोग ऐसी चीज़ें ले लेते हैं तो फिर और बिल्कुल खाने का मन नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारी चाय रेडी हो चुकी है और दोनों लोगों ने चाय पी। सूरज चाय नहीं पीते हैं। तो ये था आज का हमारा ब्लॉग। फिर मिलते हैं, बाय बाय।